आज जदुआ के आई करम माए गुरुजिया, आज आईली तोरा जी पसंदा, हमरा के तेल देहु गुरुजी, जिंदगी भरा जी जादुआ। हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना भाई और आप देख लोग देख रहे हैं मेरे चैनल मुन्ना म्यूजिक प्रोग्राम। तो दोस्तों, मैं 29 तारीख से ही लगातार प्रोग्राम में बिजी था, हम अपने पिताजी में श्री बखोईरा नाच प्रोग्राम पार्टी में। तो कल हम 15 तारीख को आए, आज 16 तारीख को देख रहे हैं ताकि मेरा वीडियो लगातार रिशेड्यूल किस किस तरह से हम आप लोग के यहाँ पहुँचाए, वीडियो अपलोड किए यूट्यूब पर। छोटा छोटा वीडियो समय नहीं मिल पा रहा था, जहाँ जहाँ प्रोग्राम था वहाँ नेट नहीं चल रहा था, फिर भी मैं आप लोगों को पहुँचाया। आप देखेंगे कि मेरा राजा ढोलन का नाटक समाप्त हो गया है और आज जो देख रहे हैं तारकेश्वर व्यास नाच प्रोग्राम पार्टी का वीडियो, बहुत ही दर्दनाक और सामाजिक है ये नाटक। सती बिहुला उर्फ बाला लखंडर की कहानी, तो आप लोग शांति से देखें। और मैं कहना ये चाहूँगा कि अब जो लगातार वीडियो होगा, बहुत अच्छे अच्छे नाटक मैं किया हूँ वो भी अपलोड होगा, थोड़ा वेट करिएगा मेरे वीडियो के लिए, क्योंकि जिनका प्रोग्राम पार्टी का किया हूँ उनको भी तो अपलोड करके दिखाऊँ। नहीं तो लोग कहते हैं कि अपने पिताजी का खाली वीडियो बनाते हैं, मेरा वीडियो नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों, हर प्रोग्राम पार्टी का आप लोग देखिए और मैं पहुँचाऊँगा, क्योंकि मैं तो अब आप लोग के नज़र में यूट्यूबर हूँ, तो हर प्रोग्राम पार्टी का अपलोड करके भेजूंगा, तब तो आप लोग देखिएगा कौन पार्टी कितना में है। हम तो सभी पार्टी को अच्छा कहेंगे, आप लोग कहिए कि कौन कितना अच्छा है। जो हमको ये अभी देख रहे हैं तारकेश्वर व्यास नाच प्रोग्राम पार्टी का, ये भी बहुत अच्छे है जी कि कलाकार लाए हैं, इनका भी बहुत अच्छा नाटक है सती बिहुला। ये है जी कि दो गोला प्रोग्राम भी करते हैं और ये ऑर्केस्ट्रा लेडीज प्रोग्राम भी करते हैं। अगर आपको कोई भी शुभ अवसर पर संपर्क करना हो तो इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में लिख सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। सुना एक बात बताता हूँ बेटा, देखा औसे हाथ धरा तो बेकार करा, ठीक ना? देखो यार, हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ। एक बात ना, 10 बात बोला। किसी के घर में सर एक बच्ची हो जाती है, अच्छा, तो उसके सर पर बोझ बन जाता है। ये तो बात सही कहला। मेरी बच्ची सियानी हो गई है, हाँ। अरे मैं सोच रहा हूँ कि अपने बच्ची का अपने सुजोग लड़का देखकर शादी कर दूं तो अति सुंदर होगा। ये है ये, तो इसके लिए कोई उपाय बताओ। हमरा से उपाय खोजा हूँ, हाँ। हमरा कहे का मतलब तो चला कहा कहीं जाई देखे, पता चला है, हाँ, के चंदू सौदागर का लड़का है, हाँ। मैं समझता हूँ कि मैं भी सेठ हूँ, सौदागर हूँ, हाँ। और वो भी हैं, तो शादी बराबर वाले में होना चाहिए। हाँ, तो होवे करे बराबर, लेकिन कुछ कम हो रहा था हो जाए। तो तेरा क्या विचार है? हमरा तो वही विचार है बा। ठीक है, चलो तो चला, चलने की तैयारी करो। अरे सारी सिक्की बे गले लगा के कहो,
है, ऐसी मेहनत करते पहुंचेंगे। एक रस्सी है ये है, एक रस्सी है। हाँ। तो चलो चलो, पर उजली है जुजली पर बत्ती लगा हुआ, तो चलो उनसे भेंट किया जाए। ऐसा काम कीजिए ना, पहले खबर करो। आप यहाँ पड़ी रहिए, जब सेठ सौकार राजा है तो हमारे संग दरबार कोई और होगा, उनको जरूर होगा, है ना। हाँ। राय ले लेते हैं उनको से। जाओ उनसे मिलो और कहो कि आपके पास बेचू साहब आए हुए। अच्छा ए, कोई है जे? लगते ना हुजूर, यहाँ मर्द एक नहीं रहते, खाली लगते जनानी है ये। अरे सौदागर के घर है। अरे जो पीजी में है, नौकर नहीं होगा दाई होगी। ए लौड़ी, अरे कोई है जी? अरे आओ ना, ए क्या जी, ये तुम यहाँ के कौन हो? मैं यहाँ के आ? मैं यहाँ के लौड़ी हूँ। अच्छा ठीक बात है। क्या बात है? बात यही है कि मालिक आपको घर पर है। हाँ मालिक तो घर पे ही, तो नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ काम में व्यस्त है। अच्छा तो जाके उनसे बोल दीजिए ना कि एक बेचू साहब आए हुए हैं। अच्छा रिश्ता के बारे में? अच्छा अच्छा, नहीं रिश्ता पक्का करना है, शादी का। अच्छा ठीक है, जाके कह देती हूँ। ठीक है ठीक है, जाइए। बापे की रात तू बोला है ना, तो आज कैसे कैसे मजाक अच्छा ना लगे? मजाक कह रही जी, बड़े अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं तो खराब ही ला ना। वही कहा ही हो। अरे नमो नमो श्री जानकी, नमो नमो भगवान, नमो नमो श्री जानकी, नमो नमो भगवान। राजा जी के चरणों में मैं करती हूँ प्रणाम। अगले पर आने के बात क्या है साहब? आने के क्या बात है, सुनिए मैं सुनाती हूँ आपको। ए जी सुनिए ना, एक सेकंड, तनी सा। क्या है? अच्छा ये कौन है? राजा साहब ये आपको मालिक है? हाँ। इनको भोजन कर मिलता है कि नहीं? अरे इनका इतना फिक्र है, इनको खाने का छुट्टी नहीं मिलता है, लगता है कि 6 महीने के बेरहमिया बोल रहा है। तनी पानी लेने बेटे। कौन मेहमान आए हुए हैं, उनको लेके आइए जल्दी। ठीक है राज साहब, अब बैठिए, मैं बुला के लाती हूँ।
अच्छा ठहरो ना, तो कहे तकड़ा तरह ना। अरे हम तो अपन साइड से जा रहे थे। हम तो जा रहे थे बोलाने के लिए। यही साइड धरे में देखा ना, सुना ना बात कही बोलो बोली बहन बोलो। अरे ना चाहिए सोना चांदी, अच्छा ना चाहिए टीका, एगो मोबाइल भी ना, अच्छा अरे मनवा बाफीका, अच्छा ना तो चले जाइबो ना हमरा बाला मोदी ए मांगा दाम सुना ना, हमारा में ठेकिया था ठेकिया, इनका में ना ठेकिया, या नूने आधी अभी हाय का चले जी चले हो बेचू सौदागर है। ओ बेचू था सौदागर। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि पंडित जी महाराज ने हमें बताया था कि आपके पास एक लड़का है। हाँ लड़का तो है, उसी लड़का के साथ ही सिलसिले में आया हूँ। शादी के बचवा का शादी जी, शादी के सिला में आए। हाँ महाराज सिला में आए तो शादी तो करेंगे जरूर, लेकिन क्या है महाराज, लेकिन यही है कि शादी करेंगे एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज, सुनाता हूँ। लोहा मछलिया है रहलै ना चूसाओ, लोहा के मछलिया जलया खड़े आखड़े चावल के बेचूसाओ, भोजन दे
बिना के मछली, बिना के और अखरा चावल का भोजन करा देगा तब हम। क्या महाराज, लोहे का मछली और अखरा चावल का भात जो लड़की बनाकर खिला देगा हम शादी करेंगे, आपके पंच को खिलाएगी उसी लड़की से ब्याह करेंगे। तो महाराज आपके शर्त मुझे मंजूर है। ठीक है, कहिए कि आप किस दिन हमारी लड़की को देखने आ रहे हैं। राज गन्ना बैठा ले, पुरोहित को बुला ले, तो आप अपने राज से बुला सकते हैं। हाँ, तो वही बात हम करना चाहते हैं। दरबारी पंडित जी को बुला के लाबो इस समय में। चल गए थी ने, अच्छा बुला के लाबो। बताऊ तो इनकर गाऊंगा मैं, हम जाइए जी कि तू जे वापस ले जा। देखा आज तक तोर मोहल्ला हो तोर गांव हो तो हम को चिल्ला जाओ ले जाएगा महाराज। मेरी सलाह मानिए। ठीक है, बोलिए। और आप पांच पंच मिलकर हमारी लड़की को देखने आइए, और जब हमारी लड़की मछली, लोहे की मछली और अकरा चावल की भात बना करके जब खिला देगी, खिला देगी, तब तो शादी पक्का हो जाएगा ना। हाँ, पक्का। तो आप हमारे यहाँ आने का कष्ट करें। ठीक है, हम आपको चले की जब शर्त है तो इसके बाद कर दिया भगवान के देने से कोई चीज कल आ रहा है। तू चाहिए आप बिहानिया बना जी। हाँ, कल आ रहा है। ठीक है दरबारी, चलो हम लोग भी चलते हैं। मेरे ही नाम विश्वर पंडित है, और आज मैं चलता हूँ अपनी झिटकीपुर शहर में, और चलकर अपने भैया चंदू सौदागर से चल के मैं पूजा मांगूंगा। इसलिए कि जिस दिन जब ना पिताजी रहते थे, जब पूजा करते थे, लेकिन जब से पिताजी स्वर्गवास कर गए, जब से पूजा मुझे बंद कर दिए, मैं कितना दिन दूसरा क्या मैं ढनक कर मैं रहूंगा। सही बात, सही बात। इसलिए चलकर अपने भैया चंदू सौदागर से मैंने पूजा मांगूंगा। ठीक है, मैं चल रहा हूं। अब तो हम आ गया हूँ भैया से, मैं चल की भेंट कर लेता हूँ। क्यों कि भैया को सपना में मैंने बार बार देता हूँ कि भैया मुझे पूजिए पूजिए, लेकिन भैया जिद घिरे हुए हैं, पूजा देने से इनकार करते हैं। लेकिन आज खुद अपने ही भैया से मैं भेंट कर लेता हूँ। खुश रहो। क्या बात है, ये झिटकीपुर में आने का कारण क्या है? क्या कारण है सुनिए। जब से पिताजी स्वर्ग ले बसवाये भैया, आज करवे चापाची आईना।
कही के कहे और नमाये भैया क्या कह रहा है इसमें जब से पिताजी ये दुनिया छोड़कर चले गए जब से मेरा पूजा बंद हो गया पिताजी रहते थे तो पूजा देते थे लेकिन जब से मर गए जब से मुझे भाई क्या ये कहना है कि पूजा लेना है सुनिए भैया पूजके आई करण मय भैया आई तोरा जी क्या कहना है मैं ध्यान ग्रहण करके बैठ गया हूँ इसमें पूजा दे देते तो मैं घर रहते और नहीं तो दूसरा कि मैं घर जाता हूँ तीन द्वारी भनकते रहता हूँ भैया कोई बरने से मरता है इसीलिए मुझे पूजा दीजिए त्रिपाल पूजा के तो निर्काल मानते हैं हम नहीं दे सकते हैं क्या भैया नहीं इनकार मानते हैं पूजा के नहीं दीजिएगा नहीं दीजिए नहीं भैया एक ही मैया के बखिया से आज नीला चीजा Oh, yeah, that's it, that's it, that's it.
भैया यह बताइए कि हम लोग दोनों भाई बहन एक लेदा का जन्मल है, आप ऐसी कैसे दुर्दुराते? नहीं, ये कहने से कुछ नहीं होगा। ये झिटकी पुर में हम नहीं देने के पूरा निकाल है। नहीं दीजिएगा? नहीं दे, ठीक है भैया, नहीं देते हैं तो ठीक है। मैं ठीक है, कितना दिन आप पूजा नहीं दीजिएगा, लेकिन आपसे सारी बात मैं खोल कर छोड़ दूंगा। सुनिए, पूजा नहीं दीजिएगा। देखिए कि मेरे भैया चंदू सौदागर पूजा से इनकार करते हैं, ये नहीं जानते हैं कि वो कौन है। ये भी सर पंडित है, कौन नहीं जानता है? हम रही ना भी सर पंडित है। जानो सुनो, तू हमरा के पूजा से इनकार करत रह, तू हमरा के नहीं खे जाना तरह कि तोर छो छो गो बेटा के हम खा गई नी। एगो बेटा तोरा बाला लखंदर सतमा वाला बच रहा बा, और तू पूजा हमरा के ना देवा। ये पहले से डांस की दुनिया है, नहीं झिटकी फुर में नहीं पूजा देवा तो नहीं दोगे। जानो एहू तोरा बेटा बाला लखंदर बा, उकरो के अबरी दशहरा इते इते उकरा को हो सके कि दशहरा पार होते होते खा जाम। ठीक बा, तो पूजा न देबो? पूजा के तो इनकार है कि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इनकार करते हैं तो मैं चलता हूँ। जाइए। देखिए मैं कितना भैया चंदू से मैंने हलस कर पूजा मांगने के लिए मैंने आया, लेकिन जानो तू अभिमान करता रहा। ए चानो हमरा के तू पहचान ला, तोरा के ना हम विनाश कर देली तमरा भी सर दो चानो। ठीक बा, अब यहां से हम अपनी इंद्र भगवान फिर चल के और जादू मांगा तनी, और जादू मांग के चंदू के बेटा खा जा में ही दशहरा में। हेलो, यही दशहरा में उकरा के हम खा जाम। अरे अमके नकरी आए मैया, अरे उम्मी के धारे आए, अरे लेहू लेहू सा तो बहिया, आयावती के धारे आए, लेहू लेहू सा तो बहिया। अरे उम्मी के, अच्छा मैं अपने इंद्र भगवान से चलके में जादू मांग लेता हूँ और जादू दे देता है तो यही दशहरा में बालन लखंदर के हम खा जाए, उकरा के कुग बंस न चले दे। ए चानो क्या बात है इंद्र भगवान, क्या बात है, सुनिए। धारी लो आई अवसर वाये गुरुजी, आज हमारा परजी आई लो
बिहारी ने आई विपत्ति अजीब पर ले आज हमारा कैची आज ले कौन ऐसी भी पता गया है कौन ऐसी भी थे इंद्र भगवान क्या मैं अपनी घर झिटकीपुर शहर में मैंने गए भैया चंदू सौदागर के पास पूजा मांगने के लिए ओ पूजा से इनकार कर गए जो जगह पर मैंने बैठ के स्थान ग्रहण करे हुए थे वहां से हटला के बाद मिट्टी करवा कर भिगवा दिया ऐसी बात है कहता कि तू आ गया मेरे घर छुआ गया और इसीलिए पूजा से इनकार कर दे इसीलिए आपको मैं पास आया हूँ मुझे बहुत कसी समय है और क्या समय आज जदुआ के आई करम माये गुरु जी आज आईली तोरा जी हमरा के तेरी देहू गुरु जी जिंदगी भरा जी की जादू